कन्नू राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरा कन्नू नाद हो चुका है, सुबह हो चुकी है, शंकर भगवान भी नहा चुके हैं, माता भी नहा चुकी हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, सभी के भक्त आ रहे हैं, सभी का यही आशीर्वाद है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आज का दिन आपका मंगलमय सुबह। कन्नू राधे राधे, गुड मॉर्निंग कन्नू। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोल सच्चिया जो ताली माता भैया ते। गाइस देखो, ये घास रामू भैया ने साफ कर दी है, और ये देखो बादल पूरा लदा पड़ा है, पूरा लदा पड़ा है। ये पेड़ कैसे हो रहे हैं देखो, हैं ये देखो पूरी कर दी है। और मैं तो चलती हूँ क्योंकि पानी, हाँ मैं सेट, ये सेट भी तो करूँगी। नहीं, मैं फूल तोड़ूंगी, पीले वाले फूल, पूजा कर उधर से कनेर के, बारिश होने वाली है। देखो मौसम कितना करिया गट्ट हो रहा है, पानी पच जाओ तो नदियां बह जाएंगी। इधर देखो कितनी घास हो रही है, देख रहे हैं आप लोग, देखो उधर पानी फैल रहा है, उधर पानी फैलता रहता है ऐसे ही 24 घंटे, 24 घंटे तो नहीं, जब जब उसका आता है एमईएस का पानी तब का। मेरे हाथ में कितने कितने सामान है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ। चले जा रहे हैं बोझा ढोके, चले जा रहे हैं बोझा ढोके, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं घर को, ये देखो हमारा पेड़ है, हमारा जा रहे हैं अपने घर के लिए। ये घास दिखाते हैं, घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, कोई सांप वाप भी हो तो पता भी नहीं चलेगा, हरा ही हरा हो रहा है। सावन के अंधे कहते हैं ना, सावन के अंधे तो उनको हरा हरा दिखता है, तो वाकई में है सावन है तो हरा हरा तो दिख ही गई है। चलो मिलते हैं अपनी गाड़ी पे पहुंचने के बाद, क्योंकि ये लोग तो अभी, बाबू भी हैं पीछे ही और हम भी हैं पीछे। देखो थोड़ा थोड़ा थोड़े फूल हैं तो फूल तोड़ लेते हैं, फूल भी तो इतने ऊँचे हो गए हैं, तोड़ लेती हूँ, मिलते हैं घर पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, राजीव का प्यार भरा सलाम। आज की कहानी महानगर गैस, महानगर गैस का रीडिंग लेने फड़के जी के घर पर एक बंदा आता है। फड़के जी उसे अंदर किचन में बुलाते हैं, किचन में आने के बाद उसके मोबाइल के ज़रिए उसने मीटर का फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के समय उसे वहाँ पर कुछ दिक्कत नज़र आई। उसने कहा, अंकल स्टूल मिलेगा? अंकल जी ने, मतलब फड़के जी ने, बगल वाले कमरे से स्टूल लिया और बंदे को दिया। बंदा स्टूल पर चढ़कर मीटर की ओर गया, मीटर की ओर जाकर फड़के जी से मैच बॉक्स पूछा। मैच बॉक्स लेकर उसने वहाँ पर उसे जलाया। मैच बॉक्स जलाते ही मीटर की तरफ फायर पकड़ गया। फायर पकड़ने के बाद बंदे ने कहा, सर मुझे डाउट था इसीलिए मैंने वो कंफर्म किया, आपके ये चारों वॉल लीकेज है, उसे बदलना होगा। फड़के जी ने कहा, लीकेज है? हाँ लीकेज है सर। कितना खर्चा आएगा? सर अगर आप मुझसे रिपेयर करवाते हो तो मैं आपको 4 वॉल 4000 रुपये में कर दूंगा। बाप रे, 4000 रुपये? नहीं नहीं भाई, मैं महानगर गैस के ऑफिस में कंप्लेंट करूंगा। सर महानगर गैस के ऑफिस में अगर आप कंप्लेंट करोगे तो बंदा इंस्पेक्शन के लिए आएगा, वो 1200 रुपये लेगा,
और ये चार वॉल्व आपको 8,000 रुपये में गिरेंगे, 9,200 रुपये होंगे, और मैं वही काम आपको 4,000 में करके दे रहा हूँ। 2 मिनट फड़के जी भी सोचने लगे, करूँ या न करूँ, लेकिन आखिर में उन्होंने निर्णय लिया, नहीं भाई, मैं महानगर गैस के ऑफिस में जाऊंगा और कंप्लेंट करूंगा। जब उस बंदे ने देखा कि फड़के जी उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, तो वो बंदा निकल गया। फड़के जी तुरंत महानगर गैस के ऑफिस में जाके ये सारा किस्सा बताते हैं। सामने वाले बैठे अफसर ने कहा, फड़के जी आपने बिल्कुल सही किया कि आप उसके बातों में नहीं आए। जब आप बाजू के कमरे में गए स्टूल लाने, तब उस बंदे ने अपने थैली से निकालकर एक केमिकल वहाँ पर स्प्रे किया और वो केमिकल की वजह से वहाँ पर फायर पकड़ा। आपके वॉल्व को कोई भी समस्याएं नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, और अगर फिर भी आपको इंस्पेक्शन करवाना हो तो हमारा बंदा आएगा और इंस्पेक्शन करके जाएगा। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आप आपके सभी घर वालों को, पर्टिकुलरली महिलाओं को, ये तीनों बातें बताइएगा ज़रूर। पहली बात, जब भी महानगर गैस से कोई भी बंदा रीडिंग लेने आता है तो उसका आई कार्ड जेन्यून है कि नहीं वो चेक करो। दूसरी बात, रीडिंग लेने जो बंदा आता है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लेगा, ही इज नॉट सपोज टू डू एनी रिपेयरिंग वर्क। गौर से सुनिएगा, वो सिर्फ रीडिंग लेगा। और तीसरी बात, कोई भी लीकेज समस्या होगी तो वो महानगर गैस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।